चौधरी एंड टुडे इज माय सेकंड वीडियो। और फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, और आज मैं और उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ। और क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूँ कि ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इनमें कोई भी फालतू या बेकार क्वेश्चन नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने खुद की स्टडी के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, और इसलिए इनको किसी को बेकार मत समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुए हैं। यानी कि विशाल अन्नागार होता है जो स्टोर रूम होता है, और अन्नागार स्नानागार होता है बाथरूम। तो सबसे जो बड़े बाथरूम और स्टोर रूम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सेकंड क्वेश्चन है, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है तथा स्नानागार सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। यानी कि जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और स्नानागार है वो सबसे बड़ा जो है वो पब्लिक प्लेस है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कांसे की नर्तकी की यानी कि कॉपर की डांसर की जो स्टैचू मिला है वो मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है, और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? यह है हमारी पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। यानी कि जो पाकिस्तान है अभी प्रेजेंट में, पाकिस्तान का एक स्टेट है लरकाना, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है लरकाना, और वहाँ पर सिंधु नदी है उसके ये तट पर स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक, जो लेडीज कॉस्मेटिक यूज करती हैं उसमें से लिपस्टिक हो गया और तुम्हारा काजल हो गया, इसके प्रमाण मिले हैं कहाँ से? मिले हैं ये, मिले हैं चौंदड़ो से। और इसको कब खोजा गया था? 1931 में, ठीक है? कहाँ से मिले हैं महिलाओं के कॉस्मेटिक? चौंदड़ो। चौंदड़ो इसको दो तीन बार आप पढ़ोगे तो जरूर आपको ईजी लगेगा। अभी अजीब सा नाम लग रहा होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र गोदी स्थल, गोदी स्थल जो होता है पत्तन, यानी कि इसको हम बोलते हैं पोर्ट, ठीक है? जो पोर्ट एरिया होता है वो कहाँ मिला है सिंधु सभ्यता का? लोथल गुजरात में। ये लोथल एक जगह जो गुजरात में पड़ता है। तीन युग्म समाधान मिले हैं, यानी कि तीन लोगों को एक साथ दफनाया गया है, उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से? लोथल से। ये भी लोथल से मिले हैं, गुजरात से। मिट्टी के बने हुए हल, मिट्टी के हल बने हुए मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। कहाँ से मिले हैं? बनवाली, हाँ बनवाली से मिले हैं। और घोड़े के अस्थि पंजर यानी कि जो घोड़ा है उसके हड्डियां कहाँ से मिली है? ये मिला है हमें सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा एक जगह है, कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े की हड्डियां मिली हैं। और तीन भागों में विभाजित एकमात्र शहर और स्टेडियम, तीन भागों यानी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है एक शहर सिटी, और वहां पर एक स्टेडियम मिला है, ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा एक जगह है जो भी गुजरात में है। चावल के साक्ष्य मिले हैं हमें रंगपुर। रंगपुर एक जगह है गुजरात में, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु से अपरिचित थे, यानी कि वो किस वस्तु के बारे में नहीं जानते थे? तो कौन सी वस्तु थी? लोहा। लोहा जो है उसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। एंड 837 कब्र कहाँ पे से मिली है? जो 837 नाम की एक कब्र मिली है वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। सर्वप्रथम कपास का उल्लेख कहाँ से मिलता है, यानी कि कॉटन? सर्वप्रथम कॉटन का उल्लेख कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल के लिए यानी कि नाप तोल के लिए कितने गुणजों का प्रयोग किया जाता था? तो वहाँ पर माप तोल के लिए कितने के गुणज होते थे? 16 के, ठीक है?
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और आप इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू।